हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आजमगढ़ में 72 घंटे बारिश बंद हुए, आज 7 दिन हो गया, लेकिन आजमगढ़ वासियों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। 8 दिन हो गया है, लेकिन आजमगढ़ तमसा नदी का पानी बढ़ता चला जा रहा है। नदी के आस पास वाले इलाके में लोगों के घर में पानी पहुँच चुका है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आजमगढ़ की तमसा नदी है और जगह आजमगढ़ शहर में दलाल घाट की है, जहां पानी ऊपर आने में 3 या 4 सीढ़ियां बची हुई है। अगर 3 या 4 सीढ़ियां पानी बढ़ता है तो पानी शहर में चला जाएगा, जिससे आजमगढ़ पूरा डूब सकता है। अब हम आ चुके हैं आजमगढ़ के बाज बहादुर मोहल्ले में। यहां आप देख सकते हैं पानी कितना दूर आ चुका है। अब किनारों पर गंदगी लग रही है। अभी इस इलाके में ना तो लाइट है और ना ही पीने का पानी, और यहाँ के लोगों की स्थिति खराब है। ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। ये जगह आजमगढ़ कोट किला रोड की है और इसी रास्ते सीधे जाने पर बद्दपुर गांव पड़ता है, जो कि वहां जाने का रास्ता पूरा डूब चुका है। यहीं पर एक पुल बना हुआ था, जो कि यहाँ के लोकल लोग बता रहे वो भी पानी की वजह से गिर गया हुआ है, जिससे आम जनमानस को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ का भी दृश्य देख सकते हैं, पूरा इलाका पानी से डूब चुका है। यह आजमगढ़ का गुलामी का पूरा मोहल्ला है, जो कि यहाँ पर भी पानी बढ़ता चला जा रहा है। घरों के अंदर पानी घुस गया है और इसी के आगे रहमत नगर, वहाँ पर भी यही नजारा है। पानी दिन पर दिन लोगों के घरों की और बढ़ता चला जा रहा है। ये जो आप लोगों सामने देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है, ये गांव एनिया का नजारा, जहां नदी का पानी बढ़ने से पूरा गांव डूब चुका है। यहां लोग नाव भरा अपने घरों से जरूरी सामान लेकर दूसरे गांव की ओर पलायन करने को मजबूर है। इस रास्ते आप शहर की ओर जा सकते थे, जो धर्मनाला पड़ता है और इसके आगे कोट किला रोड जाता है। यह गुलामी का पूरा का नजारा है। यहाँ पर भी सभी घर पानी में डूब चुके हैं। यही हाल आजमगढ़ के कोलघाट और बागेश्वर नगर का भी है, जहाँ पानी बढ़ता चला जा रहा है। वे भी घर छोड़कर नहीं जा सकते, उनके पास कहीं और जाने का और रहने का ठिकाना नहीं, इसलिए बहुत से लोग अभी भी पानी में आना जाना लगाया हुआ है। यह आजमगढ़ शहर रहमत नगर का नजारा, जहां पानी बढ़ता चला जा रहा है और यहां के निवासी मजबूर है पानी के अंदर से ही शहर की ओर जाने के लिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जो शेखपुरा गांव को शहर की ओर जाने को जोड़ता है। लोगों को यहां से घूमकर हाफिजपुर से होते हुए शहर में जाना पड़ता है। इसी रास्ते पर आए दिन लोगों की गाड़ियां बंद भी हो जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।